अब मैं आपके साथ आपके स्वास्थ्य से जुड़ी तीन अहम विषयों आहार तथा पोषण, व्यायाम और फिटनेस तथा वैक्सीन पर जरूरी बातें करना चाहूंगी। आहार तथा पोषण। किशोरावस्था वह समय है जब शरीर का अधिकतम अंग विकास होता है और अधिकतम शारीरिक विकास के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज की जरूरत होती है। वह आहार जिसमें ये सभी घटक उचित मात्रा में मौजूद हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। आपके शरीर को इस आहार की जरूरत है। ऐसे ही समय में आपका सबसे पसंद का खाना कौन सा है? फास्ट फूड, सही है ना? फास्ट फूड मतलब बाहर का पिज्जा, बर्गर, भेलपुरी, सेवपुरी वगैरह वगैरह। फास्ट फूड के साथ समस्या यह है कि यह संतुलित आहार नहीं है जिसकी शरीर को जरूरत होती है तथा यह ज्यादातर समय हाइजीनिक भी नहीं होता है, इसलिए बार बार फास्ट फूड नहीं ले। भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से पोषण नहीं मिलता है तथा यह फैट के रूप में जमा होता है, तो भोजन के बीच तले हुए नाश्ते लेने से बचें। लेकिन फ्रूट जूस, सूप और ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आपके उम्र में लड़कियां अपने फिगर को लेकर काफी चिंतित होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने फिगर को बनाए रखने के लिए यदि आपने उचित मात्रा में भोजन नहीं लिया या भोजन नहीं किया तो यह आपके शरीर के लिए अपमान होगा और यह आपके स्वास्थ्य को नुकसान कर सकता है। आपको इस उम्र में स्वस्थ और फिट शरीर पतले होने से ज़्यादा जरूरी है, इसलिए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या खाना चाहिए? संतुलित आहार यानी कि घर के बने हुए सभी खाने जो आप नियमित खाते हैं वह संतुलित आहार है। हरी पत्तेदार सब्जियां तथा पल्सेस लोह के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, वो आपको लेना बहुत जरूरी है। अच्छी मात्रा में दूध, दही, पनीर और छाछ लें। आपको इसमें से अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलेगा। आपकी उम्र में आपको ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए। इसका कारण यह है कि जब आप खाने में कैल्शियम लेते हो तब यह पाचन तंत्र में एब्जॉर्ब होकर रक्त के साथ मिल जाता है और जब आप व्यायाम करते हैं तब ये कैल्शियम हड्डी में जमा हो जाता है, इस तरह हड्डी मजबूत होती है। किशोरावस्था के दौरान आप जो पाते हो वो प्रजनन अवधि तक बना रहता है। मेनोपॉज यानी कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स के बाद, मतलब 49-50 ईयर्स के बाद, जैसे ही कुछ हार्मोन का स्तर गिरने लगता है तब हड्डियों में कैल्शियम कम होने लगता है और ये कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। यदि आप इस उम्र में अपनी हड्डियाँ मजबूत बनाओगे तब कमज़ोर होने की स्थिति यानी कि ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस धीरे रहेगी। संतुलित आहार के साथ नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको मानसिक और शारीरिक स्वस्थता प्रदान करता है। आपको प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करने की जरूरत है। इसके लाभ है, इससे शरीर की क्षमता बढ़ती है, इससे हड्डियां मांसपेशियां मजबूत बनती है, वेट को नियंत्रण में रखता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, यह तनाव और चिंता घटाता है तथा व्यायाम से कई बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, तेज चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, डांसिंग, कूदना तथा आउटडोर खेल खेलना। गर्ल्स, यदि आपने इस उम्र में दो आदतें डेवलप कर ली जैसे स्वच्छ भोजन लेना तथा नियमित व्यायाम करना, तब आपको भविष्य में किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंतिम जरूरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वह है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। टीका का मतलब क्या है? टीका मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। आपने अपने बचपन में टीके लिए होंगे जैसे कि BCG, पोलियो और मिजल्स। इन सभी नियमित टीकों के अलावा किशोरियों को महत्वपूर्ण टीके लगाने चाहिए। यह है HPV वैक्सीन तथा रूबेला वैक्सीन। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस।
यह विषाणु यानी कि वायरस का नाम है जो गर्भाशय के मुख यानी कि सर्विक्स के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। HPV वैक्सीन सर्विक्स के कैंसर को होने से रोकता है। यह 3 डोज में लिया जाता है। इसके अधिकतम लाभ के लिए इसे सेक्सुअल एक्टिविटीज शुरू करने से पहले लेना चाहिए। रूबेला वैक्सीन। रूबेला एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण साधारण बुखार, स्किन इन्फेक्शन तथा जोड़ों का दर्द होता है। ज्यादातर लोगों में रूबेला का लक्षण माइल्ड फॉर्म में होता है तथा इसे आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। लेकिन यदि यह गर्भधारण होने के पहले 3 महीने में होता है तो यह विकसित हो रहे शिशु को प्रभावित कर सकता है। इससे अनबोर्न बेबी में कई सारे बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रभाव से बचने के लिए किशोरियों को रूबेला वैक्सीन लेनी चाहिए। रूबेला वैक्सीन के सिर्फ 1 डोज की जरूरत होती है।